नमस्कार, मैं अनिल मौर्या, AMS ड्रिल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीटा एंड गामा फंक्शन दो क्वेश्चंस लिए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। प्रूफ फाइल शुरू करते हैं। वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, बेसिक कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को अगर आप समझते होंगे तो बहुत ही आसानी इसको कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं बेसिकली इसको हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल वन बाई वन है। बीटा एम एन इज वाट, बीटा एम एन को अगर आप जनरली समझते होंगे तो बहुत ही ईजी से वे में कर पाएंगे। वट इज द बीटा एम एन? बीटा एम एन हमारे पास होता है, दैट इज देयर बीटा एन की बात अगर हम करें तो इसकी वैल्यूज होती है गामा एम, द गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एम, ये वैल्यूज होती है। तो बस इसी को हमें वर्कआउट में लाना है। इट मीन्स जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको लेकर के चलना है, लेफ्ट हैंड साइड को सिंपल। ओके, तो अब दूसरा एक और फार्मूला आप याद रखिए कि गामा जो होता है एन प्लस वन इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एन गामा। ये दो फार्मूलों का जनरली इसमें यूज होगा। तो आइए इक्वेशन वन जो है, इक्वेशन वन का राइट हैंड साइड वाला पार्ट ये लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास है, बीटा प्लस वन इन गामा एन प्लस बीटा। अब सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, इसको कैसे कर सकते हैं? जो फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपके पास है बीटा एम एन है तो ऐसे लिखते हैं। तो बीटा एम है तो इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, गामा एम प्लस वन आप लिख सकते हो, गामा एन लिख सकते हो। डिनोमीटर्स में इन दोनों का सम, दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका, गामा एम प्लस एन प्लस वन प्लस। पहले पार्ट की बात करेंगे तो गामा एम गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई गामा प्लस एन प्लस, ये बेसिक कंसेप्ट मिल गया। अब इसी को जनरली मॉडिफाई करना है और वर्क करना है, फोकस करना है। देखिए जनरली हम फोकस कैसे कर सकते हैं इस पर, ये जो पार्ट है m प्लस वन है इस वाले पार्ट से इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट है तो इसका यूज करके फार्मूले का ब्रेक कर देंगे, डिनोमीटर्स को भी ब्रेक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाए, वन माइनस करेंगे, वन माइनस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा एम मिल जाएगा और फिर गामा एम मिलेगा, और ये आपका गामा एन ऑलरेडी अवेलेबल है प्लस गामा एम तो है ही, ये एन इस वाले पार्ट को ब्रेक कर देंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, एन गामा एन। एंड डिनोमीटर्स में जो हमारे पास पार्ट हो जाएगा इसमें से वन माइनस कर लीजिए तो एम प्लस एन हो जाएगा और फिर ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एम प्लस। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या पोर्शन हमारे पास कॉमन, न्यूमरेटर्स में कॉमन क्या है, गामा एम एन कॉमन है तो गामा एम एन कॉमन कर लीजिए आप। गामा एम एन कॉमन अगर हम कर लेते हैं, दैट इज योर गामा एम गामा एन कॉमन, तो इनसाइड ब्रैकेट में यहाँ पर एम बच जाएगा प्लस एन, और डिनोमीटर्स में ऑलरेडीज एम प्लस एन, फिर हियर आपका एम प्लस। अब वट इज द कैंसल वाला टास्क आप देख लीजिए, कैंसिल क्या हो जाएगा, ये टोटल पोर्शन इस जाएगा, तो रिमेनिंग जो पार्ट हमारे पास बच गया जैसे गामा एम गामा एन अपॉन गामा प्लस एन, और ये वैल्यू आपकी क्या है, बीटा एम एन, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका पार्ट जो है प्रूफ हो गया, इज द बेसिक और इम्पॉर्टेंट था जिसको कि हम जस्ट। आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हम करने का प्रयास करते हैं कि कैसे करें, दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर टू पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्या है, इन दोनों को, तीन क्वेश्चन हमारे पास जनरली बेसिक फंड, इनको हम सेपरेटली वर्कआउट में लेते हैं और देखते हैं क्या आ सकता है। फर्स्ट वाला जो यहाँ पर हमारे पास है जिसका एम एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन है, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट।
अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास मेन टास्क होना चाहिए। वन अपॉन एन तो एटिट्यूड रहेगा, इसको हमें ब्रेक कर देना है, तो यहाँ इसको आप लिख सकते हो गामा एम, दैट इज़ द गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई, दिस इज द गामा दोनों का सम, एम प्लस एन प्लस वन। इसको ब्रेक कर दीजिए सिंपली, इज द वन अपॉन एन हो जाएगा गामा एम, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन गामा एन, फार्मूला हमको पता है, वन माइनस करके जो रिजल्ट्स लिख राइट अप बचता है उसको लिख लेते हैं। डिनोमेटर में भी वन क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, तो वन माइनस करने के बाद जो रिजल्ट्स बचेगा, मतलब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एम प्लस एन और फिर के पास गामा प्लस एन। देखिए एन से एन पार्ट जो हमारे पास है वो कैंसिल हो जाएगा, एन वाला एन कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर्स में हमारे पास बच गया गामा एम एन, ठीक है, गामा एम अलग अलग दोनों सेपरेट, गामा एम गामा एन और डिवाइडेड बाय दिस इज द गामा एम प्लस एन और ये वाला पार्ट एम इंटू एन इज योर एम। ये जो इतना ये वाला पार्ट है ये आपका है बीटा एम एन है और ये आपका एम प्लस एन है, तो इट प्लेस पे आपके आ गया बीटा एम एन अपॉन एम प्लस एन, ठीक, ये पार्ट आ गया आपका। अब इस सेकंड वाले को देख लेते हैं, सेकंड वाला है इसको देख लेते हैं, इज द बीटा एम प्लस वन और एन डिवाइडेड बाय एम है, दैट इज द कैलकुलेशन। अगर ये तीनों इक्वल्स हो जाएंगे तो हमारा वर्क यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाएगा, सिंपल गामा एम प्लस वन गामा एन डिवाइडेड बाई एम फिर गामा एम प्लस एन प्लस वन, ठीक। तो मान लीजिए इक्वेशन वन, नेक्स्ट तो जो कंसेप्ट होगा इसको ब्रेक करना, फिर से इस वाले पार्ट को ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम गामा एम हो जाएगा, गामा एन ऑलरेडी अवेलेबल है पहले से ही आपका, नेक्स्ट हो जाएगा एम और फिर इस वाले पार्ट को हम ब्रेक करना चाहेंगे तो वन माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म बचेगा उसको लिखेंगे, वन माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा और फिर ब्रैकेट्स में यहाँ पे आपका आ जाएगा गामा एम प्लस एन। देखिए विच टर्म इज कैंसल, सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विच टर्म इज कैंसल, देखिए एम इज एम एन कैंसल, ये वाला पार्ट बच जाएगा आपका, दैट इज हियर हो जाएगा अपॉन बीटा एन ऑन एम प्लस, क्यों ये एम एन गामा एम गामा एन गामा एम प्लस एन की वैल्यूज हो जाएगी। नंबर टू, ये सभी वैल्यूज किसके इक्वल्स हो जाएगी, पहले पार्ट के इक्वल्स हो गए जो है दो, तो वन एंड टू और थ्री आपस में ये इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली फंडामेंटल इज क्लियर, इज क्लियर कि बीटा एम एन प्लस वन इक्वल टू बीटा एम प्लस वन एन बाई इक्वल टू पास द बीटा एन इज द बेसिक एंड छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हमने, ओके सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।